अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम लोग आए नान वाले पे, तो ये मिरपुर घास में अभी ओपन हुआ है। ये इनकी स्पेशलिटी है, अलग अलग टाइप के नान बनाते हैं। तो आइए इनसे बात भी करते हैं और आपको नान दिखाते हैं कि इनके पास किस किस तरीके के नान हैं। तो आ जाओ, ये भाई इनका मेन्यू, ये इनके पास सारे नान भी है। अभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया इनका कबाबिश पिज़्ज़ा नान, ये इनकी स्पेशलिटी है। और एक हमने मंगाई है पिज़्ज़ा फ्राइज। तो अभी सब बन रहा है, आप लोगों को बनते हुए दिखाते हैं। ये क्या है भाई? रेड सॉस। ये आप घर में बनाते हैं या बाहर वगैरह से लेते हैं? आपकी सॉस है। भाई इसमें अभी भाई डाल रहे हैं चिकन। जी चिकन की टोपी, चिकन की टोपी। सब चीज भरपूर डाल रहे हैं, चिकन भी इन्होंने बहुत ज्यादा डाल लिया, क्वांटिटी अच्छी है। ये है चीज, ये कट्स किस लिए लगा रहे भाई? शेप लगा रहे। बनाना मुश्किल है। पिज्जा नान तो पहली बार देख रहे, बाकी पिज्जा पराठा वगैरह तो खाया होता है। अब ट्राई करते हैं कैसा होता है। स्टार जैसा शेप लग रहा है। क्या कर रहे हो? कोई खड़ा है। ये क्या? अंडा वाला बर्गर भाई। अंडे वाला बर्गर लगाया हुआ। अब ये अंदर गया। इसको कितनी देर लगेगी भाई? इसको 8 से 10 मिनट लगेगा। 8 से 10 मिनट लगेगा। और यहाँ हमारी फ्राइड भी बन गई। तो जब तक ये बनता है तब तक हम भाई से थोड़ी बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह उसको खैरियत से। भाई आपको ये नान का इस पे कैसे आइडिया आया कि आपने, मतलब यूनिक तरीका ये? यूनिक तरीका है बिल्कुल। भाई के साथ गए थे हम कराची, वहाँ ट्राई किया था बुखारी रोड पे, तो वहाँ खाया था। उनके मैनेजर से बात की, हमने सोचा हम अपने शहर में भी लेके जाएंगे, तो यूनिक चीज़ है, किसी ट्राई की नहीं है इधर। तो हमारे पास इसमें डबल डो वाले होते हैं, वो असल वो भी नान पिज़्ज़ा में आता है। तो वो खा के फिर हमने इधर उनके मैनेजर से बात की, उन्होंने हमारे को एक बंदा दिया उधर से, जो बात हुई सारा हमारा जितना भी मटेरियल है सारा वहाँ से आता है, पैक होकर सही है इधर आके से पैक हो। अच्छा, तो अब तक जिन लोगों ने खाया उनका रिव्यू क्या रहा है? आपके लिए पसंद आया या नहीं? जो खा रहा है वो आगे भी बता रहा है, आ भी रहा है, घर भी जा रहा है। अच्छा, हम भी ट्राई करने आए हैं। अभी भी हमने हमारे ब्रोशर है नान वाले से, हमारा पेज है फेसबुक पे। अच्छा, और आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब सबसे स्पेशल आपकी? सबसे ज्यादा इस वक्त तो जो आपको मैं ये कबाबिश ट्राई करा, जो हमने लगवाया वही स्पेशल। ये इस वक्त का ये
उसके बाद जो है वो टिक्का और बिहारी है। टिक्का और बिहारी, ठीक है भाई। लोकेशन ये कुरेशी बम के बराबर में रॉयल दरबार के सामने, ठीक है। तो ये भाई से अभी हम लोगों ने बात कर ली, तो जब तक बन रहा है अभी हम अंदर बैठते हैं और फैमिली हॉल आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये इनका फैमिली हॉल, तो हमारे साथ हमेशा की तरह मोहसिन, राफे और अली है। तो ये मेन्यू वगैरह भी है, सेटअप सही है। फैमिली वगैरह के साथ भी अगर आना हो तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ भी हमारी बन रही है फ्राइज भी बन के रेडी हो गई है। सबसे पहले इसमें डलेगी ये चिली सॉस है, ये भी चिकन ही। ये क्या भाई? ये मशरूम की टोपी। मशरूम की टोपी। ये चीज ये हमारा अभी नान ये हो चुका है रेडी। और यहाँ भी हमारी फ्राइज गली भी हमारी बन गई अंदर फ्राइज की चीज वगैरह मेल्ट हो गई। कौन सी सॉस है? चिपोटले। क्या? चिपोटले। चिपोटले अभी और चीज डाले पिज्जा फ्राइज भी बन चुकी है, अब इसके ऊपर डालेंगे सॉसेस। ये मायोनीज है ना? मायो गार्लिक। मायो गार्लिक। ये तो चिली सॉस। ये क्या? ये ओरिगानो। हो चुका है हमारा रेडी। चलो ये पिज्जा, ये है हमारी पिज्जा कबाबिश नान है और ये है पिज्जा फ्राई। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और जो मेरे साथ कजन है उनसे भी रिव्यू लेते हैं कि कैसा है। देख लो ये उठा लो। हाँ ठीक है ठीक है। आपे कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। मोहसिन कैसा है? खाओ खाओ खाओ। अली कैसा है? मोहसिन कैसा है? अब मैं ट्राई करता हूँ। आप ये बोलो। ये अब ट्राई करते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा लगा दिया।
मजेदार बहुत अच्छा है पिज्जा नान तो बहुत अच्छा है। अब पिज्जा फ्राइज टेस्ट करें। चलो चलो टेस्ट करो कैसी है भाई, कैसी है रख अली कैसी है? तो मैं भी ट्राई करता हूँ। मजेदार अच्छी है। तो भाई हम लोगों ने ट्राई कर लिया, पिज्जा नान भी बहुत अच्छा था और पिज्जा फ्राइज भी बहुत अच्छी थी। वही कैसी लगी आपको मोहसिन? आपको अच्छी। तो अभी देते बिल और फिर चलते हैं। अली से पूछा तो था नहीं पूछा अली अली भाई कैसी थी अली? चले अब बता दे। अच्छे तो अभी चलते हैं बाहर और इनको बिल देते और फिर जाते कहीं और, घर पे मिलते डायरेक्ट आप लोगों से। भाई बहुत अच्छा रहा आपका माशाल्लाह। नहीं नहीं बहुत अच्छा था। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़। तो भाई नान वगैरह खाने के बाद मैं आ गया था घर। तो इनके नान थे तो अच्छे लेकिन कोई मेरे को यूनिक टेस्ट नहीं लगा। जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते उसी टाइप का था। जो हमने नान मंगाया था उसकी प्राइस थी 500, जो हमने पिज़्ज़ा फ्राइज मंगाई थी उसकी प्राइस थी 350। सो अच्छा था। अगर आप लोग चाहते और भी है जो भी मिर्पुर में नई नई चीज़ें खुलती रहे हम लोग उसका व्लॉग बनाएं और आप तक पहुँचे, तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।